नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर में आपके माता पिता आपके परिजन बहुत ही खुशहाल अवस्था में होंगे। हम भी ईश्वर से कामना करते हैं कि आपके घर में ऐसे ही सदैव खुशियाँ बने रहें और आपके माता पिता की आयु और भी बढ़ जाए। तो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो संजय पर। आज मैं एक बार फिर से आया हूँ आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, वह है सपने में अपाहिज व्यक्ति, विकलांग जिसे कहते हैं, जिसे हम लंगड़ा भी कहते हैं, कि यदि अगर आप ऐसे व्यक्ति को या खुद को इस कंडीशन में देखते हैं तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं, यह शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके क्या स्वप्न फल होंगे, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तो जय तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी सपने हम एक से अधिक बार या बार बार देखते हैं, उन सपने का कुछ न कुछ मतलब होता है। वह सपना हमें जरूर कुछ न कुछ कहना चाहता है। वह सपना हमें जरूर चाहे अशुभ फल हो चाहे शुभ फल हो, हमें इसके जो भी रिस्पॉन्स है देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जातक अगर अपने आप को विकलांग अवस्था में देखता है, वो देखता है कि वह व्हील चेयर में बैठा हुआ है या तो फिर वह लंगड़ा हो गया है, तो यह जो सपना होता है, यह सपना बताता है कि एक हिसाब से अगर देखा जाए तो यह एक अच्छा सपना होता है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे सपने यदि अगर आपको मिलते हैं तो यह आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपको धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। धन को आपकी आपको प्राप्ति होगी चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे आपकी जॉब से हो या आप जॉब अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से या तो फिर कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी। तो यह एक अच्छा सपना माना गया है। यदि सपने में आप किसी अन्य व्यक्ति को व्हील चेयर या फिर विकलांग अवस्था में देखते हैं तो यह भी सपना जो होता है अच्छा सपना होता है। यह सपना आपको बताता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी आप करियर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहां पर पदोन्नति और आपको वहां पर आपके ऑफिशियली जो भी कलीग हैं, जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आपकी कार्य की प्रशंसा करेंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छा बहुत ही पॉजिटिव एक सिंबल है आपके आने वाले तरक्की की ओर। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि ऐसी रोचक जानकारी उन्हें भी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए सपने की सीरीज में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।